मथुरा के बरसाना में राधा रानी पर सबसे बड़ी धर्म संसद हुई। कथावाचक प्रदीप मिश्रा को दंडित करने के लिए बड़ी संख्या में ब्रजवासी और साधु संत समाज धर्माचार्य भी इकट्ठा हुए। शिवपुराण कथावाचक प्रदीप मिश्रा के खिलाफ पूरे ब्रजधाम में गुस्सा है। महापंचायत में जुटे ब्रजवासी संत समाज और धर्माचार्यों के बीच प्रदीप मिश्रा को दंड देने के लिए लंबी चर्चा हुई है। महापंचायत के मंच पर पद्मश्री रमेश बाबा, संत गोपेश बाबा, पुष्टि मार्गीय संप्रदाय के पंकज बाबा, बांके बिहारी मंदिर के आनंद बल्लभ गोस्वामी, इसके अलावा प्रबंधक मुनीश और श्री कृष्ण जन्मस्थान मंदिर के गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी, बलदेव मंदिर के राम कटोर पांडे, नंदगांव मंदिर के सुशील गोस्वामी, बरसाना मंदिर के प्रवीण गोस्वामी, किशोरी गोस्वामी और किशोरी श्याम गोस्वामी, ये तमाम संत पहुंचे। संत आदित्यनंद महाराज भी पहुंचे और इन जैसे 200 धर्माचार्य भी इस महापंचायत का हिस्सा बने। साधु संत और धर्माचार्यों का यह कहना है कि प्रदीप मिश्रा अहंकार में चूर हैं। प्रदीप मिश्रा ने अमर्यादित टिप्पणी की है और राधा रानी का घोर अपमान किया है, साथ ही अपने कहने पर माफी भी उन्होंने नहीं मांगी। साधु संत ने जब नाराजगी जताई थी उसके बाद भी उन्होंने माफी नहीं मांगी है। महापंचायत का यह कहना है कि प्रदीप मिश्रा बरसाना आए और राधा रानी के चरणों में गिरकर माफी मांगे। महापंचायत में पद्मश्री रमेश बाबा ने कहा कि राधा रानी श्री कृष्ण की आत्मा है। महापंचायत में जो फैसला लिया जाएगा वही सर्वमान्य होगा। वहीं धर्म रक्षा संघ के अध्यक्ष सौरभ गौड़ ने कहा है कि प्रदीप मिश्रा ने अहंकार में आकर जो अमर्यादित टिप्पणी की है उसकी कोई माफी है ही नहीं। 7 दिन का वक्त देने के बाद भी उन्होंने माफी नहीं मांगी, उल्टा ब्रजवासियों को धेनु का सुर कह दिया। तुलसीदास जी पर भी टिप्पणी कर दी। प्रदीप मिश्रा के ऐसे कठोर टिप्पणियों पर उन्हें दंड दिया जाएगा कि भविष्य में कोई दूसरा राधा रानी और कृष्ण भगवान के खिलाफ कुछ भी बोलने से पहले 1000 बार सोचेगा। तो ब्रज में महापंचायत हुई है और प्रदीप मिश्रा को रियायत नहीं दी जा रही है, कठोर दंड का फैसला किया गया। तो बरसाना में प्रदीप मिश्रा पर बुलाई गई महापंचायत में संतों ने, साधु समाज और धर्माचार्यों के साथ ब्रजवासियों के गुस्से को देखा गया, आक्रोश भी दिखाई दिया। मेरी सहयोगी मेहंदी गर्ग की एक खास रिपोर्ट आप देखिए। राधा रानी को लेकर की गई विवादित टिप्पणी को लेकर फिलहाल बरसाने में एक महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है और यहाँ पर आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से इस पूरे इलाके के जितने बड़े आचार्य हैं, धर्मगुरु हैं, वो सभी इस महापंचायत में पहुँचे हैं और जो अमर्यादित टिप्पणी प्रदीप मिश्रा द्वारा, जो कथावाचक हैं, उनके द्वारा की गई हैं, उनके खिलाफ यहाँ पर एक विरोध प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। और अगर इस पूरी महापंचायत की बात की जाए तो इस पूरी महापंचायत की अध्यक्षता जो है वो पद्मश्री श्री राम बाबा की अध्यक्षता में की जा रही है और ये सभी जो धर्मगुरु हैं इन सभी की एक ही मांग थी कि प्रदीप मिश्रा जो है वो आकर राधा रानी, जिन्हें यहाँ पर श्रीजी भी कहा जाता है, लाडली भी कहा जाता है, उनसे आकर बरसाने में माफी मांगे। लेकिन प्रदीप मिश्रा ने ये बयान दिया एक वीडियो जारी करके कि वो माफी वो अभी बरसाने में नहीं पहुंचेंगे क्योंकि वो अपनी कथाओं में व्यस्त है। हालांकि उन्होंने ये कहा है कि वो 3 से 4 महीने बाद हो सकता है कि बरसाने में आए। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं ये महापंचायत की, और लोगों में जो रोष है, जो गुस्सा है, वो साफ तौर पर है क्योंकि कहीं ना कहीं जो भावनाएं हैं वो सभी लोगों की यहाँ पर आहत हुई है। जो राधा रानी के भक्त हैं उनकी यहाँ भावनाएं आहत हुई हैं और इस महापंचायत में जितने ब्रजवासी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं, राधा रानी के जो भक्त हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और लगातार 3 बजे से ही यहाँ पर जयकारे राधा रानी के लगाए जा रहे हैं, श्री कृष्ण के लगाए जा रहे हैं, साथ ही जय श्री राम के नारे भी इस पूरी महापंचायत में सुनने को मिल रहे हैं। अब अगर बात की जाए इस पूरे विवाद की तो ये विवाद जब छिड़ा जब एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए जिसमें जो कथावाचक प्रदीप मिश्रा हैं वो राधा रानी को लेकर ये टिप्पणियां करते हुए नजर आए कि राधा रानी जो है वो बरसाने की रहने वाली नहीं है, वो दरअसल रावल गांव की है। साथ ही उन्होंने अपनी टिप्पणी में ये भी कहा कि श्री कृष्ण की जितनी पत्नियां हैं उनमें राधा रानी का नाम नहीं था और उनके जो पति थे वो अन्य घोष थे। साथ ही राधा रानी की जो नना जो बाकी के परिवार वाले हैं उनको लेकर भी उन्होंने बहुत सी बातें अपनी कथाएं में कही। लेकिन इन सभी बातों पर जो वृंदावन के बड़े महाराज हैं, महाराज प्रेमानंद, उन्होंने इस पर क्रोध व्यक्त किया और अपनी नाराजगी साफ तौर पर जाहिर की और सवाल उठाए कि क्या प्रदीप मिश्रा जो है वो राधा रानी को जानते हैं, क्या उनके तथ्य सही है, क्या वो पौराणिक कथाओं का ज्ञान रखते हैं। सिर्फ एक कथा पढ़ लेने से, एक शिव पुराण की कथा पढ़ने से ये नहीं होता कि आप ज्ञानी हो जाएं। तो ये जो पूरा विवाद
विवाद है, ये जो पूरे अमर्यादित टिप्पणी के ऊपर लोगों का गुस्सा है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। महाराजाओं, आचार्यों, संत गुरुओं का साफ कहना है कि इस तरीके से कथावाचक करने वाले लोगों को कथा नहीं करनी चाहिए और उन्हें माफी हमसे नहीं राधा रानी से मांगनी चाहिए, क्योंकि जितने ब्रिजवासी हैं वो सभी बहुत ही खुश किस्म के लोग हैं और माफ करने में विश्वास रखते हैं। तो जो प्रदीप मिश्रा है वो हमसे नहीं बल्कि राधा रानी से बरसाने में आकर जो है वो माफी मांगे। लेकिन फिलहाल प्रदीप मिश्रा जो है वो अपने स्टैंड पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि उन्होंने कोई भी गलत बात नहीं कही है, जो वीडियो वायरल हो रहा है उसे काट छांट कर दिखाया जा रहा है। उन्होंने अपनी कथा में श्री कृष्ण और राधा रानी के विवाह के बारे में भी बातचीत की है। हालांकि जब यहाँ पर आचार्यों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि उस कथा में उन्होंने ये बताया कि किस तरीके से राधा रानी ने श्री कृष्ण से विवाह करने के बाद एक और विवाह किया और उनके घर में जाकर रही, तो इस बात को लेकर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा है लोगों में कि क्या प्रदीप मिश्रा इस तरीके की जो भाषा है वो अपने परिवार वालों, अपने परिवार की महिलाओं के बारे में सुन पाएंगे या नहीं सुन पाएंगे। तो बातें बहुत सारी हैं, वीडियो एक है, विवाद बहुत ज़्यादा छिड़ा हुआ है। इस महापंचायत में कोई दंड का ऐलान किया जा सकता है प्रदीप मिश्रा के लिए। साथ ही ये जो विरोध प्रदर्शन है ये मई में शुरू हो गया था, जब एक वार्निंग के तौर पर प्रदीप मिश्रा को एक नोटिस भेजा गया था, FIR उनके खिलाफ दर्ज कराई गई थी, लेकिन तब भी उनकी तरफ से कोई भी जो बयान है या कोई भी माफी सामने नहीं आई, जिसके बाद अब आज ये पूरी महापंचायत यहाँ पर हो रही है। हो सकता है आगे आने वाले दिनों में ये जो मुद्दा है वो और ज़्यादा गर्मा जाए, क्योंकि कानूनी तौर पर भी एक FIR या बताया जा रहा है कि हो सकता है 2 FIR भी प्रदीप मिश्रा के खिलाफ दर्ज करा दी गई है। तो मथुरा की धरती पर, जिसे राधा रानी की, श्री कृष्ण की लीलाओं की धरती कहा जाता है, वहाँ पर फिलहाल विवादों का। तो महापंचायत में तमाम साधु संत इकट्ठा हुए, धर्माचार्य भी पहुंचे और प्रदीप मिश्रा पर उन्होंने गुस्सा जाहिर किया। हमारे साथ इस वक्त मेहंदी गर्ग हमारी सहयोगी जुड़ रही हैं, इसके साथ ही वीर नारायण भी हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत कर लेते हैं। मेहंदी, आपका रुख करते हुए, उससे पहले एक बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ी खबर का रुख करेंगे क्योंकि इसी महापंचायत से जुड़ी ये बड़ी जानकारी मिल रही है। पंडित प्रदीप मिश्रा के खिलाफ महापंचायत में फैसला हुआ है, बरसाना आकर राधा रानी से माफी मांगे, ब्रज के किसी भी मंदिर में प्रदीप मिश्रा को प्रवेश नहीं दिया जाएगा, ये बड़ा फैसला किया गया है और राधा रानी से माफी मांगने के लिए कहा जा रहा है। मेहंदी, आपका रुख करते हुए, ये जो बयान सामने आ रहा है महापंचायत में, क्या बड़ा फैसला हुआ है, किस तरह का दंड दिया जाएगा प्रदीप मिश्रा को, क्योंकि तमाम धर्माचार्य साधु संत इकट्ठा हुए हैं और ये कहा जा रहा है कि दोबारा कोई इस तरह की टिप्पणी ना करे राधा रानी को लेकर, इसलिए ये महापंचायत बुलाई गई। जी बिल्कुल वंदना, देखिए महापंचायत जो है वो खत्म होने आई है और महापंचायत से बड़े ऐलान कर दिए गए हैं और इस महापंचायत का निर्णय ये आया है कि जब तक प्रदीप मिश्रा एक वीडियो जारी नहीं करेंगे जिसमें ये कहा जाएगा उनके द्वारा कि मेरी मति मारी गई थी, कि मैंने ऐसा कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, जब तक वो माफ़ी मांगने के तरीके से बरसाने में नहीं पहुँचेंगे और ये कहते हुए वीडियो जारी नहीं करेंगे तब तक उन्हें माफ़ी नहीं दी जाएगी। और अगर प्रदीप मिश्रा इस भाव से, हेलो मेहंदी, आपकी आवाज बन रही है, आप बोलते रहिए जी। और माला सामान बेच करके व्यापार करके अपना काम चला रहा है, ऐसे कथावाचकों को। मेहंदी के पास आवाज शायद नहीं पहुंच पा रही है, वीर नारायण का भी हम रुख करेंगे लेकिन उनसे भी अभी फिलहाल संपर्क नहीं हो पा रहा है। लेकिन बड़ी जो जानकारी मिल रही है इस महापंचायत से जुड़ी हुई वो यही कि जो तमाम साधु संत और धर्माचार्य इकट्ठा हुए हैं, प्रदीप मिश्रा पर उन्होंने अपनी नाराजगी जताई है, गुस्सा जाहिर किया है और ये कहा है कि इस तरह की टिप्पणी जो कि अमर्यादित है राधा रानी को लेकर उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। कोई भी कथावाचक अगर बगैर ज्ञान के इस तरह की बातें करता है तो उसके खिलाफ सभी संत जन इकट्ठा हुए हैं, महापंचायत बुलाई गई है और ये कहा गया है कि किसी भी मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अगर वो बरसाना आते हैं, मथुरा आते हैं, वृंदावन आते हैं तो उन्हें किसी भी मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। फैसला इस महापंचायत में हुआ है कथावाचक प्रदीप मिश्रा को लेकर। मेहंदी हमारे साथ जुड़ी हैं, मेहंदी और क्या फैसला किया गया है? मंदिरों में आने के लिए कहा जा रहा है कि एंट्री उनको नहीं दी जाएगी, कैसे ये संत समाज मानेगा अगर वो माफी नहीं मांगते हैं तो उसके बाद क्या फैसला होगा? यदि वो क्षमा मांगने आवे तो श्री गांधी जी के मंदिर में आवे और
जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको यही बता रही थी कि महापंचायत में क्या फैसला हुआ है। फैसला यही हुआ है कि अगर माफी मांगने के तरीके से प्रदीप मिश्रा बरसाने की धरती पर आते हैं और अगर संतों की हामी होती है, जितने बरसाने के महंत हैं, संत हैं, वो सभी हामी भरते हैं उनकी माफी को लेकर, उनके प्रवेश को लेकर, तभी प्रदीप मिश्रा को माफी दी जाएगी। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें बरसाने में, ब्रिज में, किसी भी मंदिर में आने के प्रवेश से बाधित कर दिया जाएगा और प्रदीप मिश्रा को बरसाने की धरती पर नहीं आने दिया जाएगा। ये बड़े जो फैसले हैं वो महापंचायत में किए गए हैं। अगर माफी मांगते हैं, और माफी मांगने का तरीका भी बताया गया है इस महापंचायत में, कि प्रदीप मिश्रा जो है वो एक वीडियो जारी करें जिसमें वो ये कहें कि मेरी मति मारी गई थी कि मैंने राधा रानी के बारे में ये अपशब्द बोले, मुझे माफ कीजिए, तभी माफी दी जाएगी। और ये वीडियो जारी करने के बाद प्रदीप मिश्रा अगर बरसाने की धरती पर आते हैं, राधा रानी से खुद माफी मांगते हैं, यहाँ पर नाक रगड़कर माफी मांगते हैं, और संतों की अगर हामी होती है तो ही माफी दी जाएगी, अगर ऐसा नहीं होता है तो कोई भी माफी नहीं दी जाएगी। साथ ही लाडली जी का जो मंदिर है बरसाने में, ब्रिज में जितने मंदिर हैं, वहां पर से प्रवेश जो है वो पूरी तरीके से बाधित कर दिया जाएगा। प्रदीप मिश्रा का ये जो पंचायत है ये कहीं ना अब खत्म होती जा रही है, खत्म हो गई है, ये बड़े फैसले आए हैं। साथ ही ये भी कहना है कि अगर जिस तरीके से पहले 28 मई के आसपास जो है प्रदीप मिश्रा को एक वार्निंग दी गई थी, उसके बाद उन्होंने कोई इस पर जवाब नहीं दिया, तो अगर आज की महापंचायत के बावजूद प्रदीप मिश्रा इस पर कोई जवाब नहीं देते हैं तो ये जो विरोध प्रदर्शन है, ये जो बरसाने के लोगों का, ब्रिजवासियों का जो विरोध प्रदर्शन है, वो आगे भी बनता चला जाएगा। और फिर हो सकता है कि ब्रिज के जो लोग हैं, जो इस बरसाने के यहाँ पे जितने महंत हैं, संत हैं, वो कानूनी कार्रवाई भी करवा सकते हैं, क्योंकि पहले भी ये खबर आई थी कि FIR पहले ही दर्ज करवा दी गई है प्रदीप मिश्रा के खिलाफ। लेकिन अगर इसके बावजूद वो इस पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, प्रदीप मिश्रा को जवाब नहीं लिया जा सकता है, अगर प्रदीप मिश्रा अभी भी माफी नहीं मांगते हैं, क्योंकि ये बरसाना के लोगों का अपमान है, घोर अपमान राधा रानी का बताया जा रहा है, और इसीलिए इतनी बड़ी महापंचायत यहाँ पर हुई है, महाफैसला भी हो गया कि मंदिरों में एंट्री नहीं दी जाएगी। लेकिन मेहंदी साथ में ये भी बताएं कि जो साधु संत हैं, धर्माचार्य हैं, वो प्रदीप मिश्रा पर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं, अगर वो अभी भी माफी नहीं मांगते हैं तो किस तरह के कदम उनके खिलाफ उठाए जा सकते हैं, अगर धार्मिक तौर पर भी देखा जाए कि केवल मंदिरों में एंट्री या फिर कुछ और भी। तो बड़ा फैसला इस महापंचायत में हुआ है कि प्रदीप मिश्रा को कोई रियायत नहीं दी जाएगी, माफी उन्होंने नहीं मांगी है। अगर मेरी मति मारी गई थी ऐसा कहते हुए प्रदीप मिश्रा कोई वीडियो जारी नहीं करते हैं तो उसे ब्रज के किसी भी मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, ये साफ तौर पर कह दिया गया है। मेहंदी गर्ग हमारे साथ जुड़ी हैं। मेहंदी, जो तमाम यहाँ पर धर्माचार्य हैं उनसे आपने बातचीत भी की होगी, क्या उन्होंने बताया इस महापंचायत को लेकर, क्योंकि इस तरह की टिप्पणी अगर कोई और भी करता है तो किस तरह के नियम कायदे बनाए जाएंगे ताकि जो भक्तजन हैं उन्हें गुमराह होने से बचाया जा सके, क्योंकि कथाएं तो बहुत होती हैं, बहुत से कथावाचक हैं जो अलग अलग बातें कहते हैं। बिल्कुल वंदना, देखिए महापंचायत में जब हमने यहाँ पे संतों से बात की या फिर जितने ब्रिजवासी श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद थे उनसे बात की तो एक साफ तौर पर गुस्सा और क्रोध जो है वो एक हर एक के चेहरे पर दिखाई दे रहा था। अगर संतों से बात की जाए तो उनका ये कहना है कि जो भी तथ्य प्रदीप मिश्रा ने अपनी कथा में कहे हैं वो पूरी तरीके से गलत हैं, और जो भाषा का प्रयोग उन्होंने किया है राधा रानी के लिए वो भी पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि प्रदीप मिश्रा जो है वो ये कह रहे हैं कि जो भी उन्होंने राधा रानी को लेकर बात कही है, चाहे वो उनके विवाह के बारे में हो या फिर उनके बरसाने में जन्म लेने की बात हो, तो वो सभी बात जो है वो तथ्यों के आधार पर की गई है, ऐसा प्रदीप मिश्रा का कहना है। लेकिन इस महापंचायत में जितने महंत, जितने संत, जितने आचार्य मौजूद थे उन सभी का ये कहना है कि ये तथ्य गलत हैं, प्रदीप मिश्रा जैसे कथावाचक जो है वो तथ्यों से विलीन है और तथ्यों के आधार पर उन्होंने कोई भी ये बात नहीं कही है। साथ ही साथ आचार्यों ने बहुत से उदाहरण भी ऐसे दिए कि यहाँ पर यानी कि बरसाने में जो लाडली है यानी कि राधा रानी जो है उनका बाल स्वरूप है, बहुत से ऐसे उदाहरण है, बहुत से ऐसी जगहें हैं जहां पर ऐसे तथ्य मिलते हैं कि राधा रानी जो है वो बरसाने से ही थी। तो ऐसे में प्रदीप मिश्रा के हर एक कथा सुनाते हैं प्रदीप मिश्रा, और यहाँ जो तमाम धर्माचार्य हैं वो ये कह रहे हैं कि केवल शिवपुराण पढ़ लेने से आप कथावाचक नहीं बन जाते हैं, तो क्या कोई क्राइटेरिया भी सेट किया जा रहा है यहाँ पर कि कौन कथा सुना
सुना सकता है, कौन नहीं सुना सकता है, क्योंकि अलग अलग बातें करेंगे तो धर्म को लेकर भी गुमराह करने जैसी स्थिति लोगों के बीच बनेगी। जी बिल्कुल, आक्रोश जो है वो साफ तौर पर है। और अगर साथ ही साथ बात की जाए ब्रिजवासियों की या जितने लोग इस महापंचायत में पहुंचे थे उनकी बात की जाए तो जो ऐलान महापंचायत में हुआ है कि माफ़ कर दिया जाएगा, लेकिन जो नौजवान है ब्रिज के या फिर जितने यहां पर ब्रिजवासी श्रद्धालु यहां पर पहुंचे थे उनका कहना था कि चाहे प्रदीप मिश्रा अगर अब माफ़ी भी मांग लेते हैं तो भी जो अमर्यादित टिप्पणी उन्होंने की है उसकी माफ़ी उन्हें नहीं मिलेगी। और अगर वो ब्रिज की धरती पर, बरसाने की धरती पर कदम रखते हैं तो जूते चप्पलों से उनका स्वागत किया जाएगा, ऐसा कहना है ब्रिजवासियों का, ब्रिज के नौजवान का। उन्होंने साफ तौर पर प्रदीप मिश्रा की यहां पर एंट्री को लेकर साफ कर दिया है कि अगर माफी मांगने के लिए भी प्रदीप मिश्रा बरसाने की धरती पर पहुंचेंगे तो भी उनकी माफी को कबूला नहीं जाएगा और उनका जो स्वागत है वो जूते चप्पलों से किया जाएगा, ये ब्रिजवासियों का कहना है। लेकिन महापंचायत में जो बड़ा ऐलान हुआ है कि अगर माफी मांगने के तौर पर और एक वीडियो जारी कर मेरी मति मारी गई है ये कहते हुए प्रदीप मिश्रा माफी मांगते हैं और संतों की हामी होती है, ये बहुत बड़ी बात है वंदना। ये स्पेसिफिकली इस पूरे महापंचायत में इस पर जोर डालते हुए कहा गया है कि अगर उस वीडियो जारी करने के बाद और प्रदीप मिश्रा का बरसाने में पहुंचने के बाद संतों की हामी अगर होती है, संत जो हैं वो मान जाते हैं उन्हें माफी देने के लिए। बिल्कुल मेहंदी, ये बड़ी बात आपने बताई कि ना केवल जो धर्माचार्य हैं, साधु संत हैं वो नाराज हैं, बल्कि जो ब्रज के लोग हैं, जो बरसाना के लोग हैं वो भी बेहद नाराज हैं इस टिप्पणी से। और इसीलिए इस पर ये महापंचायत बुलाई गई थी और उसमें ये जो अहम फैसले हुए उसका जिक्र आपने किया, बहुत शुक्रिया मेहंदी आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये कहा जा रहा है कि माफी प्रदीप मिश्रा को नहीं दी जाएगी जब तक कि वो बरसाना में आकर नाक रगड़ कर माफी नहीं मांगते हैं। अगर वो माफी नहीं मांगेंगे तो उनके खिलाफ लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है।